आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहनत दोस्तों, मेहनत मेहनत से इंसान पूरी दुनिया को बदल देता है, अपनी किस्मत को बदल देता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी दुनिया और अपनी किस्मत को बदला ही बदला, पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया, आकाश गंगा को बदल दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने बहुत मेहनत की, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने को, जिसके पास चप्पल भी नहीं थी पहनने को, जिसने बहुत कुछ झेला। खाने को भी कभी कभी नहीं होता था, खेतों में काम करते थे, आम बेचते थे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, लेकिन पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा, कड़ी मेहनत की और आज देखिए वो कहां पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं भारत के रॉकेट मैन, GSLV मार्क 3, चंद्रयान 2 के पीछे का दिमाग, कैलासव दिवोस सिवन की, यानी कि के सिवन, जो कि इसरो के चीफ हैं। वही इसरो पूरी दुनिया भर में जिसने अपना लोहा मनवा लिया, आज पूरी दुनिया भर इसरो की तारीफ करते हुए थक नहीं रही है और इसमें के सिवन का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या आप तैयार हैं इनकी हिस्टोरिक जर्नी देखने के लिए? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। sid_eConnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर के PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि biographyiq.com आप जरूर विजिट करिए, वहां पे मेरे आपको सारे लेक्चर्स की PDF कंटेंट और सारे लेक्चर्स का एक्सेस भी मिल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों ये आप तस्वीरें कल आपने देखी होंगी, कितना ज्यादा इमोशनल मोमेंट था, चंद्रयान 2 की लैंडिंग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब विक्रम लैंडर जो है वो सतह पे लैंड करने वाला था, 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूटा था, अनसक्सेसफुल नहीं हुआ मिशन। पूरा मिशन सक्सेसफुल है, 95% मिशन सक्सेसफुल है। आप इस टॉपिक पे ऑलरेडी लेक्चर आ चुका है दोस्तों, आप कल देख लीजिए, 2 लेक्चर आए हैं, प्रशांत सर के आए और मेरा आया, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, वो देख लीजिए कि कैसे उसका संपर्क टूटा। लेकिन ये जो मूवमेंट था ये बहुत ही इमोशनल था। के सिवन प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने इमोशनल हो गए और उनके आंसू छलक पड़े और मोदी जी ने भी इनको जादू की झप्पी देते हुए कंसोल किया कि कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो, बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर और मोदी जी भी इसमें इमोशनल हो गए थे। लेकिन दोस्तों दुनिया भर में तारीफ हो रही है इसरो की, अभी नासा का स्टेटमेंट आया कि हमको इसरो पे गर्व है, जो कर दिया वो कमाल है, ऑस्ट्रेलिया की साइंस एजेंसी ने बहुत तारीफ की है, रशिया ने तारीफ की है, हर जगह से तारीफ मिल रही है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारे मिशन जो है वो इसरो भेजेगा, हम देखेंगे, इस लेक्चर में हम एक एक चीज की बात करेंगे। तो ये कुछ इमोशनल मोमेंट थे कल। तो अगर हम बात करते हैं के सिवान की, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1957 में तमिलनाडु के बहुत ही छोटे से गांव, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव नागरकोली में हुआ था। तो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों कि इनका जो गांव था वहां पे पढ़ाई लिखाई के लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इनका परिवार काफी ज्यादा गरीब था। इनफैक्ट ये अपने पूरी फैमिली से पहले ग्रेजुएट थे, इन्होंने जब अंडर ग्रेजुएशन जब BSc की डिग्री ली इन्होंने, तो अपनी पूरी फैमिली में पहले ग्रेजुएट थे, बहुत ज्यादा गरीब परिवार था। इनके पिताजी कैलाश वादिवु और इनकी माताजी दोनों ही किसान थे। अब ऐसा था कि भैया पढ़ने लिखने के लिए तो पैसा है नहीं, तो कहां से पैसा आएगा? तो पैसा तो था नहीं, शुरुआती पढ़ाई फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक, पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक इन्होंने अपने गांव के सरकारी स्कूल से ही की, तमिल मीडियम से। अब यहां पे हम देखते हैं पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे और पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आ गया था। आगे जाने के लिए भैया पैसा चाहिए ना, अब आगे पढ़ने के लिए 8th से 12th क्लास, दोस्तों एक ऐसा ये मूवमेंट होता है, 8th क्लास के बाद पढ़ाई बिल्कुल चेंज हो जाती है, आपको रियल स्टडी से सामना करना पड़ता है, लेवल ऊंचा हो जाता है 10th के बाद, और ऊंचा हो जाता है। तो यहां पे पैसे भी बढ़े, तो पैसे तो थे नहीं, तो इन्होंने आम बेचने स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल सही पहचाना, आम बेच के ये पैसा जुटाते थे, साइकिल से जाते थे, आम बेचते थे, कभी तो टोकरी लेके पैदल ही निकल पड़ते थे। अब इनके भाई ने बोला कि देखो हम पढ़ा नहीं पाएंगे तुमको बेटा,
हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आगे हम तुमको पढ़ा पाए, साथ ही साथ अभी परिवार के लिए तुमको बहुत कुछ करना है, तुमको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये डट गए। इनके पिताजी बोले कि ठीक है तुमको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल तुमको पढ़ाएंगे, एक शर्त है। कंडीशन क्या थी कि तुम घर से ज्यादा दूर नहीं जाओगे पढ़ने, गांव में ही पढ़ोगे। क्यों? जैसे ही तुमको छुट्टी मिलेगी ना, तुरंत आओगे, खेतों में काम करोगे। तो जब इनको छुट्टी मिलती थी, ये खेतों में काम करते थे, अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। बटाना भी जरूरी था दोस्तों, लेकिन इनके पिताजी ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। आपको बता दूं कि इनके पिताजी एक समय पे अपने जो छोटा सा खेत था, जो सब कुछ था इनके लिए, वो भी बेचने को तैयार थे कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेटा मैं ये भी कर दूंगा, तुम पढ़ो जाके। अब देखिए दोस्तों कितनी के सिवन, यहां पे मैं बोलता हूं कि इनके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, लेकिन सोचिए दोस्तों कि कितने सारे के सिवन इस समय या तो पंचर बना रहे हैं या अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। कितना ज्यादा हमारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। तो यहां तो के सिवन के अंदर जज्बा था पढ़ने का कि वो बिल्कुल लग गए कि नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा। अब यहां पे जब इन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया दोस्तों गरीबी में, अच्छा एक चीज और, जब भैया ये स्कूल जाते थे इनके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी, जूते भी नहीं थे, नंगे पैर स्कूल जाते थे, इनके पास ट्राउजर्स नहीं थे, धोती पहन के स्कूल जाते थे। तो ये बताते हैं कि मेरे पैर इतने सख्त हो गए थे कि मैं तो मतलब एकदम आसमान पे था। हम लोग इतनी मेहनत करते थे और ये मेहनत का जज्बा ना मुझे घर से ही मिला। जब कंडीशंस देखी तो बहुत दिक्कत थी, हैंड टू माउथ कंडीशन थी, लेकिन खाने की कमी नहीं रहती थी। मेरे पिताजी और मेरे माताजी मेरा पूरा ख्याल रखते थे, खाने को भरपेट मिलता था, ये अच्छी बात थी। अब दोस्तों 12th कंप्लीट हुआ, ये चाहते थे कि मैं बीटेक करूं, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। अपने पिताजी से बोला, पिताजी ने बोला बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कहां से इंजीनियरिंग तुमको कराएंगे। तो ये अनशन पे बैठ गए। एक हफ्ते तक इन्होंने बोला चलो मैं खाना नहीं खाऊंगा, पिताजी नहीं डिगे, इनको ही डिगना पड़ा। इन्होंने बोला चलो ठीक है, पढ़ाई जैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तब इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया, स्कॉलरशिप पे, इनकी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप पे हुई है दोस्तों। पैसा कहां था? तो यहां पे हम देखते हैं बीएससी मैथ्स से इन्होंने किया। अब दोस्तों साइंस पढ़ना था इनको, तो उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं कि इनको जब इन्होंने बीएससी किया, उसके बाद इनके पिताजी ने बोला कि देखो एक बार मैंने तुमको बीटेक करने से रोका था, क्योंकि बीएससी जब इनका कंप्लीट हुआ था अंडर ग्रेजुएट, तो इनके मार्क्स इतने जबरदस्त थे और ये भैया पहले ग्रेजुएट थे फैमिली से, इससे पहले परिवार में कोई 12वीं तक भी नहीं पढ़ा था, बहुत कम लोग थे, तो इतनी बुरी कंडीशन थी। तो ये पहले ग्रेजुएट थे, तो इनके पिताजी ने बोला कि मैंने तुमको रोका है पढ़ने से, ठीक है, सॉरी मैंने तुमको, तुम्हारी इच्छा नहीं पूरे होने दी, मैंने तुमको बीटेक नहीं करने दिया, लेकिन अब मैं तुमको बीटेक करने दूंगा, इससे इसके लिए चाहे मुझे पूरा का पूरा अपना खेत घर बार सब बेचना पड़े, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में अब कोई बाधा नहीं आएगी, तुम पढ़ो बेटा। तो यहां पे देखते हैं कि इन्होंने बीटेक भी किया, उसके बाद फिर इन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से डिग्री भी ली। अब आपको बता दूं पढ़ने में बहुत ही जबरदस्त थे, इनका आईआईटी चेन्नई और आईआईएससी दोनों ही जगह सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इन्होंने आईआईएससी चुना। आईआईएससी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको पढ़ना है, जेस्ट का एग्जाम होता है, आप जरूर दें। तो आईआईएससी जो है वो बहुत ही जबरदस्त एक इंस्टीट्यूशन है, भारत का नंबर वन इंस्टीट्यूशन है। अगर हम बात करते हैं, हमेशा जब भी टॉप 200 दुनिया भर की रैंकिंग आती है, तो उसमें आईआईएससी ही इकलौता कॉलेज होता है जो उसमें हमेशा आपको मिलेगा। तो यहां पे हम देखते हैं इन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से डिग्री ली। अब यहां पे के सिवन एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताते हैं, उन्होंने बताते हैं, वो बताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। पहले मैंने बीटेक करना चाहा, मुझे बीटेक करने नहीं दिया गया, मैं बीएससी कर गया। अब बीएससी के बाद मैं चाहता था एमएससी करूं, मुझे बीटेक करना पड़ा। बीटेक के बाद दोस्तों मैं बीटेक के बाद मुझे नौकरी करनी थी, लेकिन नौकरी नहीं करने दी, ठीक है। यहां पे मुझे फिर एमटेक भी करना पड़ा, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारी चीजें हुई दोस्तों जो मैं करना चाहता था। उसके बाद जब मैंने इसरो ज्वाइन किया, तो मैं सैटेलाइट डिवीजन को ज्वाइन करना चाहता था, मुझे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में भेज दिया गया। तो यहां पे जो मैं करना चाहता था वो मुझे कभी करने दिया ही नहीं गया। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि यही तो चीज है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। जैसे कि दलाई लामा ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है अगर आपके मन का नहीं हो रहा हो तो कुछ बड़ा होने वाला हो,
तो देखिए कितना बड़ा हो गया के सेवन के साथ। आप जब बोलते हैं कि मैं ग्रेजुएट हुआ, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन की, जब मेरे पास बीटेक की डिग्री थी, बीएससी की डिग्री थी और मैं एक एयरस्पेस इंजीनियर था, वो भी भारत के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट से, नौकरी नहीं मिली मुझे, नौकरी बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि उस समय एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी भारत में कहां थी, इतनी डेवलप ही नहीं थी। तब यहां पे इनका कैंपस प्लेसमेंट होता है, इन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। अब 1982 की बात है दोस्तों, आपको मैंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम पे पूरा एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, आप जरूर देखिएगा। 1980 यही एक ऐसा दशक था जब भारत में जो सैटेलाइट्स प्रोग्राम्स हैं और जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं दोनों पैरेलली चल रहे थे, लेकिन फिर भी सैटेलाइट को भी बहुत काफी लंबा रास्ता तय करना था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तब 1982 में इन्होंने इसरो ज्वाइन किया और इसरो के साथ काम करना इन्होंने शुरू किया। उसके बाद दोस्तों इनको विक्रम साराभाई सेंटर में भेजा गया। पहले तो इनकी जो प्रोग्रेस थी वो कमाल की थी, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त इंजीनियरिंग का काम करते थे, काफी ज्यादा पकड़ थी, सैटेलाइट मैनेजमेंट या सैटेलाइट इंजीनियरिंग जो होती थी, सॉफ्टवेयर की समझ थी, तो बहुत ही बढ़िया। अब ये चाहते थे कि इनका जो मतलब ये सैटेलाइट डिवीजन में काम करे, सैटेलाइट बनाना चाहते थे, लेकिन इनको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में भेज दिया कि तुम वहां काम करो, वहां का हेड बना के इनको भेज दिया गया। इसी दौरान दोस्तों 2006 में आईआईटी से, आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने पीएचडी भी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से ले ली, तो भैया अब इनके आगे डॉक्टर भी लग गया। लेकिन दोस्तों असली काम तो अब शुरू हुआ है। अब यहां पे हम देखते हैं कि जब इन्होंने 1982 में इसरो के साथ अपना करियर शुरू किया, उसी दौरान सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई कि हमको साइंस में फंड करना है अब थोड़ा। उसी दौरान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, ये प्रोजेक्ट भारत में चालू हो गया। के सिवन का प्रोग्रेस और इसरो का प्रोग्रेस ये साथ साथ हुआ है, तो पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये प्रोजेक्ट इनको पूरा का पूरा दे दिया कि तुम इसको संभालो, इस पे काम करने लगे और कमाल का काम किया। सैटेलाइट की बात करें दोस्तों तो दो तरीके की सैटेलाइट होती है, पहले जितनी भी सैटेलाइट वो पीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल होते थे वो पोलर ही होते थे। अब इसका मतलब क्या है देखिए दोस्तों, एक होती है हमारी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट या जियो सिंक्रोनस, मतलब जियो स्टेशनरी, ज्योग्राफिकली स्टेशनरी, जैसे अर्थ है ना हमारा, ठीक वैसे ही जैसे अर्थ घूम रहा है ठीक वैसे ही सेटेलाइट घूमेगी इस तरीके से, ठीक है ना, अर्थ के चक्कर काटेगी। एक दूसरी होती है हमारी पोलर सेटेलाइट, ठीक है, पोलर सेटेलाइट इस तरीके से घूमती है, ठीक है ना, वो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चक्कर काटती है। तो अगर हम बात करते हैं, जियो सिंक्रोनस हॉरिजॉन्टली घूमती है और पोलर सैटेलाइट ऐसे वर्टिकली घूमती है। तो अभी जीएसएलवी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च होने लगी है, पहले पोलर ही होती थी। तो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों पीएसएलवी प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया, फिर बहुत सारे इनको और भी प्रोजेक्ट दिए गए, इन्होंने सितारा सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है ना, पूरा प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए, जो कि एक मील का पत्थर साबित हुआ। फिर इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन पे काम करना शुरू किया। क्रायोजेनिक इंजन की बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही एफिशिएंट होता है। पहले यहाँ पे अमेरिका ने बिल्कुल अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना कर दिया था कि हम तुम्हारे साथ टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करेंगे और हम तुमको बताएंगे भी नहीं। तो यहाँ पे फिर इसरो के साइंटिस्ट ने अपना ही खुद से ही बना लिया उन्होंने, ये हमारी खासियत रही है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि एक जितने पैसे में हॉलीवुड की एक मूवी बनती है उससे कम पैसे में यहाँ पे हमारे मिशंस हो जाते हैं, स्पेस के मिशंस हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन के सिवन बताते हैं कि एक तो हम सब कुछ खुद बनाते हैं, ठीक है ना, सब कुछ, अब कुछ चीजों तो डेफिनेटली हेल्प लेनी पड़ेगी, सब कुछ खुद बनाते हैं। दूसरी चीज, हम जो चीज हमारे पास है उसका ही यूज करते हैं, उसमें ज्यादा तामझाम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें तो उसमें अर्थ की ग्रेविटी को यूज किया गया, जैसे ये अर्थ है ये चांद है, तो यहां पे जो नासा होते हैं या जो चाइना, वो ऐसे स्ट्रेट भेजता है, ठीक है ना, अब इसमें फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। यहां पे हमने ऐसे ऑर्बिटर, अर्थ की ग्रेविटी का यूज किया गया है, फिर उसके बाद ये चांद की ग्रेविटी में आएगा, मतलब चांद के ऑर्बिट में आएगा और उसके बाद फिर ऐसे ऑर्बिट कराना शुरू करेगा। तो यहां पे हमने फ्यूल को बचाने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है, वक्त ज्यादा लगता है लेकिन ज्यादा एफिशिएंट वे होता है, ठीक है ना। तो ये चीज हम करते हैं, इसीलिए इसरो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। फिर 2015 की बात है जब एएस किरण कुमार का कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद इनको इसरो का अगला चीफ बनाया गया। और जब इसरो का अगला चीफ बनाया, भैया इनको रॉकेटमैन ऑलरेडी कहा जाने लगा था, जीएसएलवी पीएसएलवी का बहुत ही सफल परीक्षण हो गया था,
जीएसएलवी मार्क टू का इन्होंने परीक्षण कर दिया था, नॉटी बाय उसको नाम दिया था। नॉटी बाय उसको इसलिए बोला था क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं कि चार परीक्षण फेल हो गए थे, तो बड़ा शैतान था इसलिए नॉटी बॉय इसको बोला गया था। तो यहां पे दोस्तों, अच्छा सैटेलाइट व्हीकल्स क्या होते हैं? सैटेलाइट व्हीकल्स देखिए दोस्तों, लॉन्चिंग व्हीकल्स क्या होते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि जो सैटेलाइट होती है उसको स्पेस पे ले जाना होता है, ठीक है ना। तो जो रॉकेट यूज होते हैं उन्हीं को ही कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स, मतलब जो रॉकेट्स होते हैं। एक तरीके से आप वैसे ही कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं घूमने जाना हो तो जो बस है वो आपकी लॉन्चिंग व्हीकल हो गई और आप उसमें सैटेलाइट हो गए, ठीक है ना। तो आपको वो एक स्पेसिफाइड जगह मतलब एक स्पेसिफाइड जगह वो छोड़ देगा और उसके बाद फिर आपको जो काम करना है वो मतलब आप करेंगे, ठीक है। तो लॉन्चिंग व्हीकल यही करता है बेसिकली, वो रॉकेट होता है, वो कैरियर होता है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि इसरो का केस इवन बताते हैं कि इसरो के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स भी बनाने की हम मतलब कोशिश कर रहे हैं। रीयूजेबल मतलब क्या? अरे भैया रॉकेट एक बार ले गया ऊपर सैटेलाइट को, दोबारा वो नीचे आ गया, अगली बार सैटेलाइट लॉन्च होगी उसी को यूज करेंगे, ऐसे बार बार यूज करेंगे। कितना पैसा बचेगा? हजारों हजारों करोड़। अभी तक ये कौन कर पाया है? केवल स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी, एलोन मस्क पे बायोग्राफी रिव्यू की है, देख लीजिएगा, बड़ा ही टैलेंटेड इंसान है वो भैया, पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल भी यहां पे बनाने की तैयारी। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करते हैं जीएसएलवी मार्क 3 की, तो जीएसएलवी मार्क 3 काफी ज्यादा एफिशिएंट है। इससे पहले मार्क 2 का ऑलरेडी परीक्षण हो चुका है। देखिए होता क्या है कि सैटेलाइट्स बहुत भारी होती हैं, पेलोड्स बहुत भारी होते हैं, उसको लॉन्च करने के लिए रॉकेट भी उसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। तो मार्क 2, मार्क 1, मार्क 3 अलग अलग सीरीज होती है, इसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। अब देखिए ऐसा है कि आप मेरा इंडियन स्पेस प्रोग्राम पे लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बनाना भी इसरो का एक प्रोजेक्ट है। तो ये चीज आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों 2017 में इन्होंने रिकॉर्ड रच दिया जब इन्होंने स्पेस में 104 सैटेलाइट छोड़ दी। ये रिकॉर्ड है भैया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 104 सैटेलाइट। सोचिए कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लगी होगी। अरे ये जो सैटेलाइट्स हैं ये जब डिटैच होती हैं लॉन्चिंग व्हीकल से तो ये तो एक दूसरे से भिड़ भी सकती हैं। बताते हैं कि सिवन 104 सैटेलाइट को लॉन्च करना और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना, दे कैन कोलाइड, दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस तरीके से इसको मैनेज किया गया कि ये बिल्कुल एक सक्सेसफुल लॉन्च था। 90% जो इसरो करती है वो सक्सेसफुली होता है, ये बहुत अच्छी बात है। एफिशिएंसी रेट बहुत ऊपर है इसरो का, और के सिवन के, जब से के सिवन आए हैं, जब से के सिवन चीफ बने हैं, तब से ये प्रोजेक्ट्स और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर आपको पता ही है चंद्रयान 1 पूरा हो चुका था और फिर चंद्रयान 2 को भी अनाउंस किया गया। अब 2019 में ही चंद्रयान 2 को छोड़ा गया, 22 जुलाई में चंद्रयान 2 95% सक्सेसफुल है। चंद्रयान 1 जब छोड़ा गया था तो वो सिर्फ क्या था, मून के चक्कर लगा रहा था। अब चंद्रयान 2 का क्या उद्देश्य था कि हम सदर्न रीजन पे जाएंगे, अनएक्सप्लोर्ड रीजन जो है वो चांद का, और वहां से डेटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब उसके बाद हम देखते हैं 2021 में गगनयान भी, यहाँ पे के सिवन ने बताया कि ये भी हमारा एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अब हम लोगों को भेजेंगे स्पेस पे, तो ये बहुत बढ़िया चीज होने वाली है। फिर उसके बाद आदित्य L1 सन को, सूरज को स्टडी करनी है, कोरोना को, फिर वीनस पे हमको भेजने हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज बताई है, के सिवन का अब पूरा फोकस ये है कि जितना ज्यादा हो सके छोटे छोटे बच्चों को मेन स्ट्रीम साइंस में लाया जाए। मतलब यहां पे इसरो के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, के सिवान ने सीधा बोल दिया है, और ये आपके लिए जो यंग बच्चे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आपके पास कोई भी सैटेलाइट का डिजाइन है या आपने कोई भी सैटेलाइट बनाई है तो आप हमारे पास लेके आइए, इसरो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, लैब का एक्सेस देगा, और अगर आपका डिजाइन अच्छा हुआ, टैलेंट है अगर आप, तो हमारे पास लेके आ जाइए। बहुत सारे प्रोग्राम, इसमें संवाद विद स्टूडेंट्स भी है, इसरो चीफ यहां पे खुद जाके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे संवाद करेंगे, मतलब के सिवान। तो यहां पे स्कूल के बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट और किस तरीके से अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है या साइंस में करियर बनाना है तो क्या करना है, ये इसरो की कोशिश है। फिर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है, इसमें हर स्कूल से हर शहर से 3 बच्चों को लिया जाएगा, हर स्टेट से,
और यहां पे इसरो पूरा उनको प्रॉपर एनवायरमेंट देगा कि आप आइए, यहां की लैब का आपको एक्सेस दिया जाएगा, लेक्चर्स होंगे, आपको बताया जाएगा, और अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसको भी हम देखेंगे, और जो भी खर्चा है वो इसरो करेगी। तो यहां पे इसरो 360 डिग्री काम कर रही है। के सिवन के आइडिया इतने जबरदस्त हैं कि वो एक तो बच्चों को भी साथ में लाने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ बहुत सारे उनके अपकमिंग एम्बिशियस प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये सब हो रहा है। फिर यहां पे इंडस्ट्रीज पे भी फोकस किया जा रहा है। पीएसएलवी को बनाने के लिए अभी तक की इसरो डिजाइन करती थी जो लॉन्चिंग व्हीकल्स थे, अब ये बोल रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज को मौका देंगे, डिजाइन इसरो करके दे देगा। और इंडस्ट्रीज तो दोस्तों जो अब स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। स्पेस मतलब इसरो के लिए जो उनके इक्विपमेंट्स हैं वो डिजाइन करना शुरू कर दीजिए। पैसा तो है ही है, साथ ही साथ इज्जत भी है और देशभक्ति भी है, तो ये भी एक स्टार्टअप हो सकता है। अब यहां पे इसरो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने जा रहा है या जो भी काबिल इंडस्ट्री है कि अब आप लॉन्चिंग व्हीकल्स हमारे बना सकते हैं, तो ये भी चीज है। बहुत सारे टोटल आने वाले 32 मिशंस हैं, जिसमें 34 लॉन्च मिशंस हैं, 17 स्पेसक्राफ्ट और एक डेमोंस्ट्रेशन मिशन है। उसके बाद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये भी एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कि के सिवान ने बताए थे। और भैया भारत का इसरो जो है वो एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और गौरव गाथा भारत की जारी है। अभी तो आने वाले समय में ये मिशंस और ज्यादा तेज होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब चंद्रयान 2 का कल जो हुआ वो आपने देखा है कि जो हमारा कनेक्शन है वो छूट गया, लेकिन अभी भी उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है और देखते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।